हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4, रीजनरेटेड फाइबर्स। है ना, तीन लेक्चर हम लोगों ने इसके कर लिए थे और ये चौथा लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, पांचवा लेक्चर, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग ही बता रही है रीजनरेटेड फाइबर, ऐसे फाइबर जिसको हम लोग रीजनरेट करेंगे, दोबारा से जनरेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका जो है, इस लेक्चर के नोट्स लिंक में नहीं दूंगा मैं, अब छोटा सा है ये। ठीक है, एक साथ में जस्ट ये लेक्चर आएगा, उसके दो तीन घंटे के बाद पांचवा लेक्चर भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें एक साथ पूरे चैप्टर के मैंने पीडीएफ एक साथ कंबाइन करके दे दी है, तो वहां से फिर आप लोग अपने नोट्स कलेक्ट कीजिएगा। क्लियर है? कोई डाउट? इस लेक्चर का इस पर्टिकुलर के लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक में नोट्स नहीं होंगे, छोटा लेक्चर है, एक साथ ही कर दिया मैंने। ठीक है ना, इस लेक्चर के आने के जस्ट दो से तीन घंटे बाद पांचवा लेक्चर भी आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो रीजनरेटेड फाइबर हम लोग कुछ पढ़ रहे थे। प्लांट फाइबर यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग, ऐसे प्लांट फाइबर जो सर्जिकल ड्रेसिंग, जैसे पट्टी है ना, उन सब चीजों में जो इस्तेमाल होती है, उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। तो रीजनरेटेड फाइबर, इसको हम लोग रेयन भी कहते हैं, है ना, रेयन भी कहा जाता है। तो आओ समझे जरा क्या है ये। तो सिनोनिम की बात करें तो इसको हम लोग किस किस नाम से बुला सकते हैं? इसका एक नाम है ओके, रेयन, रीजनरेटेड सेल्युलोज, क्योंकि सेल्युलोज की हेल्प से बनाया जाता है ये, और विस्कोस। ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो गए। सोर्स की बात करें अगर हम लोग, तो इसका जो सोर्स है, विस्कोस इज अ विस्कस ऑरेंज रेड एक्वस सॉल्यूशन। समझो जरा बात को, विस्कस मतलब गाढ़ा गाढ़ा नारंगी और लाल कलर का एक्वस सॉल्यूशन, है ना, गाढ़ा गाढ़ा सॉल्यूशन होता है। एक्वस मतलब पानी में मिला हुआ सॉल्यूशन होता है, ऑफ सोडियम सेलुलोज ज़ैंथोजिनेट, सोडियम सेलुलोज ज़ैंथोजिनेट। ठीक है ना, क्या है ये? विस्कस गाढ़ा गाढ़ा ऑरेंज लाल कलर का सोल्यूशन है, किसका? सोडियम सेलुलोज ज़ैंथोजिनेट, ऑब्टेंड बाय, कहां से ऑब्टेंड किया गया है? डिसॉल्विंग वुड पल्प। वुड पल्प क्या होता है? तरे का बीच में, जो मैंने बताया था ना, अगर एक काट होता ना तो उसके बीच का जो हिस्सा होता है, एक मान लो ये तना है ना, ये मान लो क्या पेड़ का तना है एक, तो उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पल्प कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? पल्प कहा जाता है। क्लियर है? तो वुड पल्प, सेलुलोज इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NOH, इसके अंदर हम लोग इसको क्या कर देते हैं? डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन, एंड ट्रीटिंग विद कार्बन डाइसल्फाइड। फिर हम लोग इसको कार्बन डाइसल्फाइड CH2 से क्या करवाते हैं? ट्रीट करवाते हैं। तो बात समझ में आई, कहां से हमको ये मिलने वाला है? आओ आगे देखें, केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें तो विस्कोस रेयन इज अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, क्योंकि लकड़ी का ही बना हुआ है, तो ये सेलुलोज की बहुत ही ज्यादा प्योर फॉर्म होती है। इट्स ऐश, उसकी जो राख होती है उसके अंदर सल्फर भी पाया जाता है, इट्स ऐश कंटेन सल्फर। आगे आए ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और डिस्क्रिप्शन। पता ही है क्या होता है, कैसा हमको दिखाई देगा, कैसा हमको स्मेल में होगा, कैसा टच करने पर होगा। ठीक है, द रेयन इज वाइट है, हाईली लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब चमकदार फाइबर होता है। इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम 2/3 to 1.5 times डेट ऑफ कॉटन, यानी कि 2/3 से लेके आधी, कॉटन का या तो 2/3 होगा या कॉटन की आधी होगी। क्या? इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब इसकी मजबूती। ठीक है ना, आगे आए अगर हम लोग, कह रहा है व्हेन वेटेड, जब ये गीला होता है, इट लूजेस अबाउट 60% ऑफ इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, जब ये गीला हो जाता है तो लगभग 60% तक अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती खो देता है। द फैब्रिक इज वाटर रिपेलेंट, ये जो फैब्रिक होता है, ये जो कपड़ा होता है, ये जो रेयन होता है, ये वाटर रिपेलेंट होता है, पानी को अपने अंदर दूर करता है, जैसे कि कॉटन क्रैप बैंडेज, है ना, क्रैप बैंडेज आती है, एक गर्म पट्टी आती है, आजकल गर्म पट्टी कैसी आ रही है, प्लास्टिक नुमा चमकदार सी होती है ना, पानी का उसके ऊपर असर नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या है, इनको बनाया जा रहा है। ओके, प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन में क्या हो रहा है, द स्टार्टिंग मटेरियल इज सेलुलोज, सबसे पहले क्या लेते हैं? सेलुलोज लेते हैं, प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉनिफेरस वुड, है ना, जो वुड होती है कौन सी है? कॉनिफेरस है, ठीक है, उसे हम स्प्रूस भी कहते हैं, और स्क्रॉडेड एंड ब्लीच्ड कॉटन लिंटर्स, स्क्रॉडेड
स्कॉर्ड, स्कॉर्डेड नहीं, स्कॉर्ड एंड ब्रीच। स्कॉर्ड मतलब होता है किसी चीज को थोड़ा सा ना रगड़ रगड़ के साफ कर देना, फिर जो निखर के चीज आती है उसको हम कहते हैं कि हमने उसे स्कॉर्ड कर दिया है। ठीक है, तो जो कॉटन के लिंटर्स होते हैं यानी कॉटन के जो रेशे होते हैं उनको ब्लीच कर देंगे और स्कॉर्ड कर देंगे। शुरुआत में इनको लेते हैं, द वुड इज डीलिग्निफाइड। जो लिग्निन होता है, क्या पाया जाता है इसके अंदर? लिग्निन, याद है, लिग्निन केमिकल निकाल दिया जाता है। तो वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ? डीलिग्निफाइड। फिर क्या करेंगे? इट रीचेस द रेयॉन मैन्युफैक्चरर। अब ये पहुंचता है कहां? रेयॉन मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चर करते हैं। अब इतना तैयारी करने के बाद फैक्ट्री में भेज दिया जाता है एस बोर्ड्स ऑफ व्हाइट पल्प, है ना, सफेद पल्प के बोर्ड बना बना के, तख्ते बना बना करके भेज दिया जाता है। कंटेनिंग 80-90% ऑफ सेलुलोज। उसके अंदर कितना होता है? 80-90% सेलुलोज होता है। एंड सम हेमिसेलुलोज, कुछ हेमिसेलुलोज भी पाया जाता है, मेनली पेंटोजन। जो हेमिसेलुलोज होता है वो मेनली क्या होता है? पेंटोजन होता है। द हेमिसेलुलोज बीइंग अल्काली सॉल्युबल, जो हेमिसेलुलोज होता है वो कैसा होता है? अल्काली, यानी कि बेस में सॉल्युबल होता है। आर रिमूव्ड इन फर्स्ट स्टेज, इसको सबसे पहले स्टेज में हम लोग क्या करते हैं? निकाल देते हैं, रिमूव कर दिया। किसको? हेमिसेलुलोज को। ऑफ द प्रोसेस बाय स्टीपिंग इन, स्टीपिंग मतलब डुबा देना, किसके अंदर? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अल्काली में सॉल्युबल है तो NOH, अल्काली सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेसी है, उसमें डाल देंगे तो घुल के ये निकल जाता है। क्लियर है? कौन? हेमिसेलुलोज। उसके बाद क्या हो रहा है? द एक्सेस अल्कलीन लिक्विड इज प्रेस्ड आउट एंड अल्काली सेलुलोज रिमेन्स। ठीक है ना, द एक्सेस अल्कलीन लिक्विड इज प्रेस्ड आउट, दबाया जाता है, अल्काली सेलुलोज या सोडियम सेल्युलोसेट रिमेन्स, उसके अंदर जो बचा खुचा होता है, ठीक है, तो वो चीज रह जाती है उसके अंदर। दिस इज डिजॉल्व बाय ट्रीटमेंट विद कार्बन डाइसल्फाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू गिव अ विस्कस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सेलुलोज़ेंटेट। द्वारा देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं इसको, क्या कह रहा है? द एक्सेस अल्कलीन लिक्विड इज प्रेस्ड आउट एंड अल्काली सेलुलोज एंड अल्काली सेलुलोज रिमेन। अब क्या होता है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, लिक्विड था ना, इसको प्रेस कर दिया, दबाया इसे, तो जो घुल गई थी वो सब चीज तो निकल गई थी, निकल जाती है, बचा क्या रह जाता है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज निकल गया, क्या बचा रह गया? अल्काली सेलुलोज, उसके रिमेन्स, वो बचा रहेगा उसके अंदर। दिस इज डिजॉल्व बाय ट्रीटमेंट विद कार्बन डाइसल्फाइड, उसको फिर हम डिजॉल्व करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की हेल्प से एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू गिव, अब ये हमको क्या दे देगा? विस्कस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सेलुलोज ज़ेंथेट, अब हमको ये मिल जाएगा। हेमिसेलुलोज निकल चुका है, ठीक है, प्रेस किया हमने, अब बचा हुआ पार्ट क्या रह गया? अल्काली और सेलुलोज, यानी कि अल्काली, अल्काली में डिजोल्व किया था, हेमिसेलुलोज निकल गया, प्रेस कर दिया और घुल गया, निकल गया, अल्काली सेलुलोज बचा रह गया, उसको फिर हम ट्रीट करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से, ठीक है, और फिर एक गाढ़ा गाढ़ा सा सोल्यूशन तैयार होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किसका होता है सोल्यूशन? वो सोडियम सेलुलोज ज़ेंथेट का होता है। किसका होता है? सोडियम सेलुलोज ज़ेंथेट का होता है। क्लियर है? आगे आते हैं। After ripening, ripening मतलब पक गया या प्रोसेस हमारी पूरी हो गई, and filtering छानने के बाद, the solution is forced through the spinneret, है ना, जो solution होता है उसको हम लोग तेजी धक्के से spinneret, spinneret क्या होता है? ये क्या है? spinneret, spinneret क्या होता है? जैसे कि वो देखा अपना झरना, झरने से पानी निकलता है, ठीक उसी टाइप से छेददार, जालीदार, एक जाली होती है उसके अंदर से बड़ी तेजी से हम लोग, ये जो मेरा क्या होता है फिल्टर, ये जो मेरा सॉल्यूशन तैयार हो गया इसको बड़ी तेजी से इस जाली से हम लोग पास कराते हैं, इस जाली से जब ये पास कराते हैं तो पतले 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 रेशे से निकल के बाहर आता है, ये थोड़ा गाढ़ा होता है अभी, लिसला होता है, लेकिन बहुत जल्दी सुखा देंगे तो ये एक पतले धागे में बदल जाता है, ठीक है। तो कह रहा है इसको पास कराते हैं स्पिनरेट से, अ जेट, एक धारा, जेट एक धारा विद फाइन नोजल, फाइन नोजल बहुत पतले पतले इसके छेद होते हैं, इमर्स्ड इन बाथ ऑफ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हमने कहा किसके अंदर डुबा रखा है? डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डुबा रखा है एंड सोडियम सल्फेट उसके अंदर डुबा रखा है इसको, इन दोनों के सॉल्यूशन के अंदर। व्हेन द सेलुलोज इज रीजनरेटेड एज कंटिन्यूस फिलामेंट, अब क्या हो गया, इस सेलुलोज को हमने पहले क्या किया, डुबा दिया, घोल दिया, घोल के मिक्सचर तैयार कर दिया, अब हेमिसेलुलोज को निकाल दिया, अब मेरे पास क्या बच रहा है? सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज, उस सेलुलोज को इस छन्नी से निकाल करके वापस से सेलुलोज से क्या बना रहा हूं? रेशे तैयार कर रहा हूं, ठीक है। सेलुलोज इज रीजनरेटेड एज कंटिन्यूअस फिलामेंट, एक लगातार कंटिन्यूअस फिलामेंट एक धागे के रूप में हमको मिल रहा है,
दीज आर ड्रॉन टूगेदर एज यार्न। अब हम क्या करते हैं, जो रेशे इसके अंदर बहुत सारे रेशे निकल रहे हैं ना, जैसे ऊन का गोला होता है, इस तरह से गोले में लपेट के इसे हम लोग रख लेते हैं। वो जो गोले में लपेट लिया है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है यार्न। हमने उसको एक साथ क्या किया, लपेट के एक गोला बना लिया, विच इज ट्विस्टेड फॉर स्ट्रेंथ, और उसको हम लोग आपस में ऐड लेते हैं जिससे कि उसमें ताकत बनी रहे। डीसल्फ्यूराइज बाय रिमूविंग फ्री सल्फर, उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, डीसल्फ्यूराइज करते हैं, उसके अंदर सल्फर को निकाल देते हैं। विथ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड की हेल्प से सल्फर निकाल दिया जाता है। ब्लीच करते हैं, वॉश करते हैं, सुखाते हैं, एंड कंडीशनड टू मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 10%। और उसको हम ऐसा करते हैं कि उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो मात्र कितना रह जाए, 10% रह जाए। तो देखो यहाँ पर लाइन से कॉमा के बाद कॉमा, कई सारी प्रोसेस एक के बाद एक है। तुम लोग चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, जैसे कि मान लो यहाँ से ये काम हो गया, ठीक है, ट्विस्टेड, डीसल्फ्यूराइज, ठीक है, अगला स्टेप, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या, ब्लीच, अगला स्टेप वॉश, अगला स्टेप ड्राई, अगला स्टेप कंडीशन। तो एक के नीचे एक स्टेप करके याद कर सकते हो। ये सारे स्टेप हैं जो मैंने एक लाइन में सीक्वेंस में लिख दिए हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई है? ओके, यूज की बात करें तो विस्कोस रेयन इज यूज टू मैन्युफैक्चर फैब्रिक, सर्जिकल ड्रेसिंग, एब्जॉर्बेंट वूल, एंजाइम एंड सेलोफेन, ठीक है ना। तो इसका यूज तो वही है, हमको पता ही किस में काम में आता है। तो थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत आता है, तो एक या दो बार पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत बेसिक है। अगर ऐसा दिक्कत लगता है तो तुम लोग क्या करोगे, मैंने जैसे बताया कि जैसे कि क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसको ऐसे स्टेप में तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या ले लेंगे हम लोग, मैं यहाँ बताता हूँ थोड़ा सा क्या ले लिया हमने, सेलुलोज, अगला स्टेप, ठीक है ना, कहां से लिया, सेलुलोज फ्रॉम कॉनिफर वुड, लिख लोगे सेलुलोज फ्रॉम कॉनिफर वुड, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, और स्कोर्ड एंड ब्लीच कॉटन लिंटर्स, ठीक है, या तो उसका ये ले लेते हैं और यहाँ और लिख लोगे, और क्या लिख लो यहाँ पर, कॉटन लिंटर्स लिख लो, मत लिखो ये ब्लीच्ड और स्कोर्ड, क्या लिख लो, कॉटन लिंटर्स। अगला स्टेप, द वुड इज डी लिग्निफाइड, क्या कर रहे हैं हम लोग, डी डीलिग्निफाइड, बात समझ में आ रही है। इस तरह से एक सीक्वेंस बना लोगे मेन मेन हेडिंग का, डीलिग्निफाइड किया, उसके बाद उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर से हेमीसेलुलोज को रिमूव करवाया, किसको रिमूव करवाया, हेमीसेलुलोज को, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या किया हमने, जब हेमीसेलुलोज रिमूव हो गया तो हमने उसके बाद क्या कर दिया, जो अल्काली सेलुलोज बचा हुआ था, अल्काली सेलुलोज रिमेन्स थे, उसको डिसॉल्व करके, किस डिसॉल्व करते हैं, किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, वो हमको क्या दे देगा, एरो बना के विस्कस सॉल्यूशन। क्लियर है, जब ये विस्कस सॉल्यूशन हमारा राइपन हो जाएगा, पक गया, एक तरह से तैयार हो गया, उसको फिल्टर कर लेंगे और स्पिन रेट से पास कराएंगे, एरो लगा के लिखते चले जाएंगे। तो इस तरीके से इसके एक एक स्टेप करके क्या कर सकते हो, तुम लोग लिख सकते हो, तैयार कर सकते हो, उससे याद भी हो जाएगा, वो भी उतना ही सही है जितना कि ये लिखा हुआ है। ऐसे समझने में कई बार थोड़ी सी दिक्कत होती है कुछ लोगों को, तो अपने इस तरह टेबलेट कर लें, ठीक है, जैसे मैंने बताया एक के नीचे एक इस तरह से क्या कर लें, टेबलेट कर लें। क्लियर है, तो ये फोर्थ चैप्टर था रीजनरेटेड फाइबर, कुछ और नहीं है, सेलुलोज को लिया, प्लांट के अंदर घोल दिया, फिर वापस से सेलुलोज बना लिया, इसीलिए कहा रीजनरेटेड, दोबारा से जनरेट हुए। क्लियर है, ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा खत्म होता है, इसको कायदे से पढ़ना और रिवाइज करना है। ऑल द बेस्ट।